राजपथ पर जनारा तने वंदन अमारा, 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 तने वंदन अमारा, तने वंदन अमारा, त्यागे तू पाप अढारा तने वंदन अमारा, राजपथ पर जनारा तने वंदन अमारा, राजनंदन अमारा तने वंदन अमारा, तने वंदन लाखो लाखो, तने वंदन लाखो लाखो, हमारी भी नीचे आखो, तने वंदन लाखो लाखो, सत्यदेवो तुम्हें राखो, त्यागी विषय ने वासना, जय हो आजे तमारा मनोरथ फळ्या, गोयम सम आजे तमोने गुरुवर मळ्या, अगणित देवेंद्रो करे जे राजपत्नी कामना, आजे तू बड़ आदरे ए राजपत्नी साधना, ए राजपत्नी साधना, राजपथ पर जनारा तने वंदन अमारा, राजपथ पर जनारा तने वंदन अमारा, उजिन शासन शनगारा धन्य धनना गारा, वीर नासन के तनारा तने वंदन अमारा, उवीर तीने महाव्रत ने धरनारा, राजपथ पर जनारा तने वंदन अमारा, तने वंदन अमारा, तने वंदन अमारा, करे तू भवनी सारा तने वंदन अमारा, राजपथ पर जनारा वंदन अमारा, राजनंदन अमारा तने वंदन अमारा, उसौ में प्यारा तारा तने वंदन अमारा, राजपथ पर जनारा तने वंदन अमारा।
आराम दे बेटा। भाई ऐसा चलने का अपने को, हाँ बस ऐसा स्टेज के ऊपर से चलते रहो। We make a good decision.
यही भाव के साथ आपको और हमें मिलकर आज इस तलेगांव नगर के ये जो मानवी भाई है संयम पद पर जा रहे हैं, इसकी कितनी खुशी है आपको ऐसा समझना कि ये मेरा बेटा है, मेरा भाई है। ऐसे ही उनकी संयम यात्रा सफल हो, ऐसे ही भावों के साथ हमें ये भक्ति करनी है। आ प्यारी मुझे आ प्यारी
अच्छा इतनी सुंदर रेडी होके आए हो और ऐसे ही बैठे हो, वो मजा नहीं आ रहा है। एक बार अपने साथ में खड़े होके गुरु भक्ति आपको दिखाने हैं। अरे ओ Thank you.
मनुष्य भाई के हो रहा है, कई बार अपने साथ में खड़े होके दीक्षा को मिलो ला क्योरी गए देखो दीक्षा वैरागी वैरागी वैरागी
Yeah,
कार्यक्रम बहुत बाकी है, सभी परिवार के सदस्य को निमंत्रित है कि एक बार फटाफट ये रस्म हो जाए ताकि हम आगे कार्यक्रम को बढ़ाए। कृपया संघ के लोग अपनी जगह पर बैठकर ही दीक्षार्थी को आशीर्वाद प्रदान करें। ऊपर आके हाथी लगाई मतलब ही उसको आशीर्वाद जा रहा है ऐसा नहीं है। प्लीज थोड़ा बात को समझिए, पहले वी आर लिटिल लेट, थोड़ा लेट चल रहे हम लोग, कोई उठेगा नहीं। हिमांशु भाई, हिमांशु भाई कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे रहना, किसी को ऊपर चालू है, चालू है, चालू रखो। परिवार के लोग ही ऊपर आवे, बाकी कोई ऊपर ना आवे, जब तक सूचना ना मिले तब तक प्लीज ऊपर ना आवे। इतना सुंदर कार्यक्रम कि हमारे गांव का आज गौरव बनने जा रहा है ऐसे मार्मिक भाई जो संयम पद पर जा रहे हैं, तो सभी को बैठे बैठे भक्ति करनी है। आइएगा परमात्मा की भक्ति और ये मोक्ष की भक्ति करना चाहो तो कर सकते हो। एरो मोक्ष वापस नहीं आवे तो परमात्मा बन जाशी मारुआत्मा you
पंडाल में बैठे हुए सभी बहनों को नम्र विनती है, साहिब जी यहाँ से माइक देकर बोल रहे, सिर्फ यहाँ ध्यान दो, बातें करनी है तो पंडाल से बाहर। सबको जो बुलाऊ बुलाए, सगले सगले आजीवन मागलो, जगले पगले आजीवन मावलो, एक महीने का भूखा बाघ के सी बार खड़ा है, आप बोल रहे हो
ऐसा ऐसा दीक्षा जीवन का श्रृंगार ये जो मार्गिक कुमार कर रहा है उनके माता पिता को भी लाख लाख धन्यवाद। जिसका बेटा दीक्षा लेता है उनकी माँ रत्न कुक्षी बन जाती है। ऐसे मार्गिक कुमार को अभी आप ऐसा आशीर्वाद देना कि कपड़ा रंगने के बाद जो केसर का कलर मजबूत रहता है ऐसा तुम भी संयम में क्या रहना। आपको आशीर्वाद देना है तुम भी संयम में मजबूत रहना, भगवान की आज्ञा का पालन करना, परमात्मा ने बताया हुआ स्वाध्याय करना और आत्मा का कल्याण करना, विश्वास से अनुष्ठान करना, ऐसा आपको आशीर्वाद देना है। अब हमारे पिता बड़ा आनंद कहीं है तो कहाँ है, कहाँ है? हाँ संसार में, संयम में। संसार में आनंद मिल रहा है आपको? इस दुनिया का सबसे बड़ा आनंद कहीं है तो इस परमात्मा के वेश के अंदर, इस परमात्मा के शासन के अंदर। हम बार बार जब भी कोई भी आत्मा कोई भी मुमुक्षु जब दीक्षा लेने के लिए जब तत्पर बनता है तब हम दो बार 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 करते हैं, पत्रिका में भी लिखते हैं, उसका मार्ग निष्कंटक होना चाहिए या निष्कलंक होना चाहिए। उसका मार्ग निष्कंटक होना चाहिए या निष्कलंक होना चाहिए, बोलो तो सही। आप कैसा मार्ग, आपके बच्चे को यदि दीक्षा लेनी हो तो आप कौन सा मार्ग छोड़ोगे, निष्कंटक वाला या निष्कलंक वाला? हाँ निष्कलंक वाला, निष्कंटक वाला। यानी निष्कंटक यानी क्या मतलब, क्या उसको तकलीफ नहीं आए, बराबर है ना? हम तो ऐसा बोले उसको तकलीफ ना आए, उसको गर्मी ना लगे, उसको कंकर ना लगे, उसके कांटे ना लगे, उसको ये ना हो ये ना हो, अरे भला उसको मार्ग तो होता है, वो मार्ग निष्कलंक बनना चाहिए, निष्कंटक तो होना ही चाहिए। क्योंकि हमने जो चारित्र लिया है वो तो तकलीफ को वो उत्सर्ग को सबको सहन करने के लिए ही दिया है। आज यहाँ पर अब कपड़े रंगने का कार्य आगे बढ़ रहा है। संसार में किसी के कपड़े रंगने में नहीं आते क्योंकि आप तो रंग के ही आए, बराबर। बस ये प्रभु के शासन ऐसा है, ये प्रभु का शासन, ये परमात्मा का ये वित्तीय धर्म। बस जब जब कोई आत्मा जब ये चारित्र को ग्रहण करता है उसके पहले ये कपड़े रंगने का कार्य होता है। आज मंगल मुहूर्त ये धवल वेश परमात्मा का ऐसा चारित्र धर्म जो मोक्ष मार्मिक भाई 12 तारीख को परमात्मा का वेश धारण करेंगे, ऐसे वेश पर आज गुरु भगवान का खुद आचार्य भगवान पन्यासी भगवान आदि सब मुनि भगवान साधु साधु जी श्रावक श्राविका आदि चतुर्विद संघ इसके ऊपर गौरी यानी स्वस्तिक द्वारा मंगला चरण की शुरुआत करेंगे। बस हमको यही भाव यहाँ पर कपड़े रखते रखते हमारे जीवन में भी कभी जल्दी से जल्दी हमको भी चारित्र धर्म की प्राप्ति हो, इसलिए हम परमात्मा को यही प्रार्थना करते हैं। और कपड़े रखते रखते और वो दृश्य देखते देखते हमारे अंतर में भी हमारा अंतर भी कम रहे, हमारा आत्मा भी कम रह जाए, बस वो भाव के साथ हम अब आचार्य भगवान पहले स्वस्तिक द्वारा यहाँ पर कपड़े के ऊपर अपने शुरुआत यहाँ पर कपड़े रंगने की शुरुआत करेंगे। सभी तीन नौकार गिनो, तीन नौकार। Thank you.
दोनों गोलियों की। संयम मुझे आत्मानुनाद साचो संयम की चार्या जी संगी करी मेवंती उजर शो संगी संयम मुझे रदयनो तत्को Thank you.
हैप्पी बर्थडे नो कायतरी वगाडो हैप्पी बर्थडे नो एक दूसरे से करते हैं प्यार हम एक दूसरे के एक दूसरे से करते हैं प्यार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम वाह बहुत ही सुंदर।